बेटी पैदा करने की विवाहिता को मिल रही सजा, ससुराल में घुसने नहीं दे रहे ससुराल के लोग, करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए दो दिन से ससुराल के बाहर भूखी प्यासी बैठी है विवाहिता। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक विवाहिता को ससुराल के अंदर केवल इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा है जो कि उसने बेटी को पैदा किया है। मायके में विवाहिता अपना करवा चौथ का व्रत रखकर ससुराल व्रत तोड़ने पहुंची तो ससुराल के लोगों ने उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोला, जिससे वह ससुराल के बाहर दो दिन से भूखी प्यासी बैठी हुई है। लेकिन कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोल रहा है। मामला करारी थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव का है, जहां की ज्योति अग्रहरी को ससुराल में बेटी पैदा करने के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे बेटी पैदा करने पर ससुराल में ही घुसने नहीं दिया जा रहा है। ज्योति ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। व्रत को उतारने के लिए ज्योति अपनी ससुराल आई हुई है, लेकिन उसे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जिससे वह पिछले दो दिनों से अपनी ससुराल के बाहर भूखी प्यासी बैठी हुई है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ज्योति ने बताया कि बेटी पैदा करने के चलते उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वह अपनी बेटी को कैसे पालेगी, उसे न्याय दिलाया जाए। मामला क्या है कि क्या कहते, कल हमारा करवा चौथ का व्रत था, तो हमने कहा चलो अपनी ससुराल में पूजा कर लेते हैं, ससुराल चले जाएंगे। और जब हम ससुराल गए तो वहाँ पे हमने दरवाज़ा खुलवाया, तो मेरी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। और क्या कहते, हमने कहा कि खोलो, हम करवा चौथ व्रत हैं, और क्या कहते आप लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। मगर वो नहीं, मतलब किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। और बल्कि सामने जो उनके घर के सामने रहते हैं, उनका नाम बाबूलाल है, वो और उनकी वाइफ दोनों हमसे लड़ने लगी, अपनी बहू का पक्ष लेके कि मतलब मेरी। तो रात भर कहाँ थी अब? रात भर हम दरवाजे पे बैठे थे, दो घर के दो मुहार हैं, कभी इस मुहार पे कभी उस मुहार पे, बस इसी तरह से पूरी रात हमने डर डर के काटी है। ये लग रहा था कि कहीं इधर दरवाजा लेकिन नहीं खुला, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिर क्यों नहीं जाने देते, क्या वजह है, घर में क्यों नहीं घुसने देते आप? घर में इसलिए नहीं घुसने देते हैं क्योंकि हमें बेटी हुई है, और क्या कहते हैं बेटी, मतलब ये लोग कहते हैं कि बेटी ऐसी है बेटी वैसी है, बेटी में ये कमी है बेटी में वो कमी है, और क्या कहते हैं इस तरह से तुमको बेटा क्यों नहीं हुआ, मायके जाओ मायके से पैसा लाओ। कई बार हमने पैसा ला के भी दिया, मगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, और ना हमारी मायके मतलब ससुराल में कोई वैल्यू हुई। और इस बात की कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? इसकी शिकायत हमने बहुत सारी जगह की, पुलिस प्रशासन को किया, 112 भी बुलाया, कोई मतलब वो नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ ये हो चुका है कि मतलब दरवाज़ा नहीं खुलता था, कई कई बार हम आए हैं बच्ची को लेके और अपनी बहन को लेके, दरवाज़ा नहीं खुलता है, और फिर उसके बाद और उल्टा सामने वाले लोग और लोग लड़ते हैं और ज़बरदस्ती करने कोशिश करते हैं। हमने इस बात की शिकायत सब जगह कर दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमें कुछ होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी, हमारा पुलिस प्रशासन से और हमारी हमें हमारी सरकार से ये निवेदन है कि या तो हमें कोई नौकरी दे दी जाए तो हम अपनी बिटिया का पेट पालें, या तो हमें अपनी ससुराल में रहने दिया जाए, दरवाज़ा खुलवाया जाए, हम अपनी बिटिया का पेट पालें, अपना पेट पालें, मायके में हम अपाहिज बन के जो जी रहे हैं इस अपाहिज गिरी से हमें मुक्ति दिलाई जाए, और हमें अपना सही मायने में सही जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। क्या और नाम है आपका? हमारा नाम ज्योति अग्रहरी।